हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारिस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BIS मैथ्स पार्ट नंबर 7 की। जैसा कि आप सभी को पता कि पार्ट नंबर 6 हो चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर जरूर देख लीजिए। इस समय नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं ना, सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने ले रखा है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आपके BIS में फंसेंगे ना, वो मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद परसेंटेज या फिर जो भी आप चैप्टर कहेंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। बशर्ते आप सभी प्यार और सम्मान बनाए रखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है 17 तक का क्वेश्चन नंबर सिस्टम का हो चुका था और आज बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। काफी खतरनाक सवाल आप सभी के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर वगैरह करते रहिएगा, ठीक है ना, ताकि मेरा इस भाई का जो है आत्मविश्वास बढ़ सके, ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीख लीजिए। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप सीख लीजिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, अगर कहीं यहाँ 3 है, इसके ऊपर 2 है, इंटू यहाँ 3 × x है, ठीक है ना। तो ये बेस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, बेस होता है। इसको हम बोलते हैं बेस और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट अर्थात पावर बोलते हैं, ठीक है ना, पावर। अगर ये बेस इक्वल होता है, जैसे यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, अगर बेस इक्वल है तो इसको जगह लिख कर ये जो है ना उसको ऐड कर देते हैं, तो ये 2 + x हो जाएगा, ठीक है ना। 3 के ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + x हो जाएगा। ये केस आप सभी का कब बनने वाला है, ये केस तब आपका बनेगा जब ये इक्वल रहेगा, तब बनेगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर फोकस कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को देख लीजिएगा, समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है 3 to the power n + 4, यही तो है। यहाँ पे है माइनस 6 को लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 3 लिख सकते हैं, यार लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, × 3 to the power n + 1 अपन हमारे सामने हो गया 3 to the power n + 2, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब यहाँ नीचे 3 to the power n + 2 है ना, हम चाहेंगे कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो को देखिए। 3 to the power n + 4 है, माइनस 2 × 3 to the power n + 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, कहेंगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ पे 1 पावर रहता, अभी बताया हूं ना, ये देखिए यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे अगर कोई 4 लिखा तो जान लीजिए 4 के ऊपर 1 पावर है, तो ये इक्वल है ना, इसको एक जगह लिख कर जो ये इसको जोड़ देंगे तो 1 + n + 1 करेंगे तो n + 1 मिलकर 2 n + 2 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 3 to the power n + 2। अब यहाँ पे एक चीज हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम n प्लस 2 पर से कॉमन ले ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं 3n + 2, दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ क्या बचेगा, ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा। ध्यान से देखिए, जब हम कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, 3 to the power n + 4 है ना, और हमने कॉमन क्या लिया है, 3 to the power n + 2 कॉमन लिया है। दोस्तों आप ये समझ लीजिए, जब ये डिवाइड करता है ना तो ऊपर जाकर ये घट जाता है, ठीक है ना, तो जाएगा 3n + 4 − n − 2, ये प्लस एन माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 3 के ऊपर 4 में से हो जाएगा 2, यानी कि 3 का स्क्वायर बच जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस, ये देखिए टोटल बाहर आ गया ना, एक सेकेंड, यहाँ देखिए 3 to the power यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचा, मान ये टोटल बाहर है, यहाँ 2 बचा, फिर अपान 3 to the power n + 2, यहाँ देखेंगे कि यही चीज यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 × 3 = 9 और 9 में से 2 को घटा देंगे, 7 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में टिके रहिए, ठीक है ना, क्योंकि यार आप लोग क्या करते हो, शुरू का 2-3 मिनट देखोगे फिर छोड़ दोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। जब तक पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 0.18, ठीक है ना, 0.18 है, फिर
19 का पहला यहाँ पे, फिर 19 का दूसरा 0.576। इसको कह रहा है ना, ये किस में है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में, किस में है दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन में, किस में है, डेसिमल फ्रैक्शन है। और इसको लिखना किस में है, सिंपल, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है डियर, सिंपल फ्रैक्शन में। इन दोनों क्वेश्चन को सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। हाल फिलहाल में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसलिए नंबर सिस्टम के हर एक क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन को, यानी कि ये दशमलव के रूप में है, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अंक जो है ना बार बार आ रहा है। ये बार का मतलब लगाने का यही हो रहा है, ये अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है दोस्तों, अशांत दशमलव है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे हमने 2 से 10 से भाग दिया, 2 5 10, ये कैंसिल हो गया ना, तो ये आपका शांत दशमलव। अब ये मान लीजिए, ये देखिए 11 हो गया, 2 5 10, ये छोड़िए अभी 2 5 10 एक आया, नहीं डिवाइड हुआ, दशमलव यहाँ पे 0 2 5 10, ये डिवाइड हो जा रहा है ना दशमलव के बाद, तो ये शांत दशमलव। अब जान लीजिए 22/7 है, इसको आप डिवाइड करते रहिए ना, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, कटेगा ही नहीं। और 22/7 दोस्तों एक परिमेय संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय, तो दोस्तों यह एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको करने का साधारण से रूल देख लीजिए, ध्यान समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, जो ये टोटल है ना वो लिख लीजिएगा, और जिसके ऊपर पाई है उसके बगल वाला, ठीक है ना, यहाँ 8 के ऊपर पाई है तो उसके बगल में 1 है ना, वो घटा दीजिए, और नीचे जितना पाई है ना उतना 9 लिख दीजिए, 1 पाई 1 बार है ना, तो 1 9 लिख दीजिए, बाकी 0 कर दीजिए बस। तो 18 में से घटाएंगे तो 17/90 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे दोस्तों, आप सभी अभी नहीं मान रहे हैं, जब आपका एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, तो फिर आप देखेंगे हाँ बैजनाथ सर सही बता रहे थे। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 576 माइनस, ये साइड में है ना, बार के साइड में क्या है 57 है ना, वही घटा लीजिए अपन, यह जितना बार वो 9 कर दीजिए, बाकी ये जितना बार उसको 0 कर दीजिए बस, कहानी खत्म हो गई। 576 में से 57 घटाएंगे तो 519 बचेगा, कितना बचेगा 519/900, और यही हमारा हो जाता है दोस्तों करेक्ट आंसर। क्या हो जाता है, यही हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है ऐसे क्वेश्चन में। अभी एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे करवा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 3.0072, इस बार ये वाला दे रखा है। चूंकि आप उस तरह से क्वेश्चन अगर आप पढ़े भी होंगे ना, तो फिर अगर मैं थोड़ा सा टफ नहीं करवाऊंगा तो आप कहेंगे अरे सर इजी करवा दिया, टफ तो छोड़ ही दिया। तो उस तरह का टीचर मैं नहीं हूँ, हर एक लेवल का क्वेश्चन मैं करवाते रहता हूँ मैथ का। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, 90 के आसपास प्लेलिस्ट है, वीडियो है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सारे तरह का वीडियो है दोस्तों, जाकर देख लीजिए ना, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा हूँ। 3.0072 ये जब क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना, जो पॉइंट के पहले है ना आप यहाँ पे 3+ कर लीजिए, ठीक है ना, पॉइंट के जो पहले उसको 3+ कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 0.0072 को, इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो करने के लिए रूल क्या है, 3+ ये चीज लिख लेंगे आप, 72 क्या करेंगे लिख लेंगे, माइनस ये जो साइड में है ना यही तो हम घटाते हैं, 0.0/9 कितना जाएगा दोस्तों, आप समझ लीजिएगा, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 भी 2 बार आएगा, और इसके सामने हम कितने 2, तो 2 0 बढ़ा दीजिए बस, तो 3+72/99। इसको तो चाहे आप काट सकते हैं, चाहे तो इसको आप जो है दोस्तों छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको काटेंगे किसे, 9 से भी ये कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9/72 यहाँ पे जाएगा 1100 आ जाएगा, कितना जाएगा 1100। फिर अब 4 से भाग देकर देखते हैं, 4 2 8, 4 2 8 हो गया, 3 बचा 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी कि सॉल्व करेंगे आप इसको 3+2/275 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 2/275, और यही आपका हो जाता है दोस्तों करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो आप हवा में उड़ाओगे, ठीक है ना, हवा में उड़ाओगे। बस आप सभी जब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी, तो चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब करना आप सभी लोग मत भूलिए, ठीक है ना।
क्योंकि आप सभी को बीएस की इंग्लिश की क्लासेस सारी क्लासेस लाने वाला हूँ। तो अगर सारी क्लासेस आप चाहते हैं दोस्तों उतना वीडियो को लाइक वगैरह करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज पहुंचाइए 1000 2000 तो ही तो मैं क्लास ले पाऊंगा 21। दोस्तों अब इस तरह के क्वेश्चंस में तो मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 12.1 upon 19.8 इसका वैल्यू कितना होता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ना, और स्टूडेंट थोड़ा सा उसके आसान करने के चक्कर में भाग वगैरह इसे दे रखते, गलत हो जाता। बस ऐसे करो ना, दसमलव के बाद अगर यहाँ एक, दसमलव के बाद यहाँ एक, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, 121/98 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दसमलव के बाद ऊपर भी एक अंक और दसमलव के बाद नीचे भी एक अंक तो उसे कैंसिल हो जाता है। तो 121/98 ग्यारह से काट दीजिए, 11 ग्यारह 121 और 11 से 198 में डिवाइड करिए, 11 करने में 11 88 11 8 88 तो 11/18 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा हलवा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा ये सिखाना था कि दसमलव के बाद एक अंक होता है ऊपर या नीचे तो वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 22 नंबर सिस्टम के हम करीबन 100 क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन होंगे, नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 72/9 का 1/3 + 2/3 × 1 = 1/2। ये बॉड मास का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी ऐसा भी नहीं कह सकता कोई कि सर बॉड मास का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ये 72 है। कोई भी नहीं कह सकता है कि बॉड मास का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, एकदम 100% दोस्तों पूछा जाता है। ये बात तैयारी आप करें तो आपको पता है, ठीक है ना। भले से इजी होता है लेकिन पूछा जरूर जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, एक आध दो इजी क्वेश्चन बताना भी मेरा फर्ज है। देखिए यहाँ पे 72 है ना, 72 डिवाइड यहाँ ऑफ रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 × 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑफ रहे चाहे का रहे वहां पे गुड़े का चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है ना। प्लस 2/3 गुड़े, ये 2 × 2 और ये 1 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। आगे देखिए 72 / 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है ना। फिर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना जाएगा 1 आ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो 1 आया ना, प्लस 1, 3 से 72 में डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 + 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है चकमा खा जाते हैं, ठीक है ना। फिर कहते हैं अरे यार सर नहीं आया, तो फिर आपको ऐसा देखिए बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा। 23 क्वेश्चन 23 हमारे सामने है, 25/13⁸, इसका आपको ज्ञात करना रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आपको शेषफल ज्ञात करना। अब आ गया है रिमाइंडर थ्योरम की तरफ हम दोस्तों, एक मैं क्लास रिमाइंडर थ्योरम का अलग से लूंगा, अभी तो इसी में चला तो इसी में हो सकता है पढ़ाई दूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सभी की क्या रहा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 25/48 / 13 दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ध्यान से चीजों को समझ लीजिए, हम ये करते हैं ना, जैसे देखिए ये 13 के मल्टीपल में लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 13 का मल्टीपल मतलब 13 × 13 = 26 आ गया ना, 26। और एक प्रयास करिएगा +1 या -1 लाने का प्रयास करिएगा, लाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए यानी कि +1 या -1 लाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अब आएगा कैसे, ध्यान से देखिए यहाँ पे 13 से आप 25 में दोस्तों डिवाइड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ऐसे देख लीजिए 13 से 25 में डिवाइड करेंगे 13 × 2 = 26। दोस्तों शेषफल दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है निगेटिव रिमाइंडर। तो हमें एक के आसपास लाना है, 13 × 2 = 26 घटाएंगे तो यहाँ -1 आया ना, कितना आ गया दोस्तों -1 आ गया, तो क्या करेंगे -1/48 / 13 कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा, आपने इससे इसमें भाग दिया, आप यहाँ पे या तो 12 आता शेषफल, अगर आप 13 से 25 में भाग करते ना 13 + 13 या 12 आता तो यार हमें 1 लाना होता है ना, तो
तो ये माइनस एक के ऊपर 48 आ गया। अगर हमने दो मरतबा ले गए तो माइनस एक के ऊपर 48, अगर माइनस के ऊपर दोस्तों यहाँ पे इवन नंबर है ना, माइनस वन के ऊपर अगर इवन नंबर हो तो प्लस वन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस वन अपॉन 13 हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्लस वन आया ना ऊपर, यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर अर्थात यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आया, अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, आप सभी के लिए ही मेहनत किया जा रहा है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। अभी आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, दो ढाई महीने के आसपास का, तो फिर आप उसमें पूरा मैथ्स में कवर करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना। 24 मैथ का टेंशन आपको नहीं लेना है। यहाँ पे कह रहा 67 टू दी पावर 67 अपॉन 68, इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है ना, इसका रिमाइंडर कितना होगा, ध्यान से चीजों को समझ लीजिए। 67 टू दी पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बस क्वेश्चन को आप सभी लास्ट तक देखते जाइए, ठीक है ना। मजा नहीं आया ना तब कहिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 68 है और यहाँ पे ऊपर 67 है, वन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 68 67। और जहां दोस्तों नहीं वन का कंडीशन बनेगा वहां वाला भी सवाल मैं बताऊंगा, और ये रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा एक अलग से क्लास लेने वाला हूँ कल, तो वो चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 68 1 जा 68 डिवाइड, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डिवाइड किए तो माइनस वन आया, तो माइनस वन के ऊपर 67 लिख दीजिए अपॉन 68 कर दीजिए, ठीक है ना। अब माइनस वन के ऊपर अगर ऑड नंबर है अर्थात विषम संख्या है, तो यह माइनस वन आ जाता अपॉन 68, ठीक है ना, कितना आ गया 68। अब यहाँ पे दोस्तों रिमाइंडर दो आएंगे, रिमाइंडर कितने आएंगे दोस्तों, रिमाइंडर दो आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर और एक आएगा निगेटिव रिमाइंडर। तो ये जो आप माइनस एक देख रहे हैं ना, ये जो माइनस एक है ये क्या है, निगेटिव रिमाइंडर है, कैसा है दोस्तों, निगेटिव रिमाइंडर है। माइनस एक कैसा है, निगेटिव रिमाइंडर। अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे अर्थात पॉजिटिव शेषफल की बात करेंगे, तो ये 68 में से हम 1 को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 67 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव रिमाइंडर आपका हो जाएगा 67, ठीक है ना। यार ऐसे ही क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के एग्जाम में इससे अधिक नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये मेरा गारंटी है। बस आप सभी लोग थोड़ा सा सम्मान बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 25 एक क्वेश्चन है तो इस तरीके से जो एग्जाम में पूछ लेता है बार बार, ठीक है ना। एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 1 सही 11/2 प्लस इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम को क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कैसे, अब रिमाइंडर थ्योरम का क्लास लूंगा तो फिर आप समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन रहे ना, कभी अगर ये लिखा 2 सही 3/4 तो आप लिख सकते हैं 2 + 3/4, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे केस है, इसको आप अलग कर सकते, 1 + 11 + 1 + 1 + 1 अलग कर दीजिए, प्लस ये अलग कर दीजिए 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 अलग कर सकते हैं आप, इसको पूरा का पूरा दोस्तों जोड़ लीजिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, देखिए ये चीज हो गया ना, फिर ये चीज होगा, फिर ये 1 2 3, इसको ऐड आपने किया तो 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आएगा, आधा आधा मिलकर 1 और आधा आधा मिलकर 1, 1 1 मिलकर 2, तो 1 2 3 4 यानी कि 1234 में 2 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 1236 हो जाएगा, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों लाइट भी जा चुकी है, कोई बात नहीं, अंतिम सवाल था, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए पहली बार सब्सक्राइब जरूर किया, थैंक्स फॉर वाचिंग।